कोई विशेष परिस्थिति में नहीं मानता, लेकिन विशेष परिस्थिति का निर्माण दुर्भाग्य से राज्य में समय समय पर सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा होता रहता है। तो कुछ जो कल कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, उसके बाद कुछ सवाल मेरे जहन में और सार्वजनिक जीवन में रहने के कारण जनता के सामने लाने के लिए जो मन में विचार और सवाल उठे, वो आपके बीच में रखना उचित समझता हूँ। क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ कि आज राजनीतिक गलियारे से अंधेरा फैलाकर झारखंड की जनता को धोखा देने की काम सत्ता के माध्यम से हो रहा है। और अलग राज्य बनने के 21 वर्ष के बाद भी झारखंड में अविश्वास की राजनीति, अविश्वास की सामाजिक परिस्थिति निर्माण करने का प्रयास ओछी राजनीति पूर्ति करने के लिए किया जा रहा है। मुझे याद है कि झारखंड बनने के बाद सामाजिक तनाव पैदा करने का पहला प्रयास बोकारो में ही हुआ था, और आज जब वर्तमान में जो सरकार चल रही है, एक असमंजस की स्थिति में या अनिर्णय की अवस्था में राजनीतिक रूप से समय गुजार रही है, तो फिर से एक बार धनबाद में सामाजिक ताना बाना को तोड़ने का प्रयास कल हुआ। झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के नाम पर सिर्फ उस क्षेत्र विशेष में लोगों को जानकारी दिया गया था कि मानव श्रृंखला बना करके हम सरकार के नीतियों का विरोध करेंगे। मैं रांची से भारतीय जनता पार्टी के पार्टी कार्यक्रम में किसान मोर्चा की धनबाद जिले की बैठक लेने के लिए राजगंज जा रहा था। आप सबको पता है कि रांची के मीडिया में कहीं से भी धनबाद में बंदी होगा, मानव श्रृंखला लगेगा या कुछ वहां राजनीतिक गर्माहट आ गई है, इस प्रकार की कोई समाचार सामान्य रूप से देखने को नहीं मिला। हम गए भी, लेकिन जेना मोड़ के बाद में निसंदेह हम देखा कि लोगों की कतार खड़ी है जहां तहां। जेना मोड़ में मैंने लोग को रोक करके पूछा कि क्या है, उन्होंने कहा कि ये स्थानीय भाषा को लेकर के हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और आज मानव श्रृंखला है। तो मैंने वहां कहा कि यदि आप लोग बंदी उंदी रखे हैं तो मैं आगे का यात्रा छोड़ दूं। तो कई लोगों ने आकर कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, रास्ता सब सामान्य रूप से चालू है, सिर्फ मानव श्रृंखला है। वहां से जोधाडी मोड़ में जाम लगा हुआ था, मैंने अपने भाजपा के महामंत्री के माध्यम से, जिला के महामंत्री जयदेव राय के माध्यम से एसपी ऑफिस में और डीएसपी को खबर करवाया। उन्होंने बताया कि हमारे डॉक्टर रविन्द्र राय जा रहे हैं पार्टी के कार्यक्रम में धनबाद और यहां जाम में फंसे हैं, तो यदि आप जरूरी समझें तो हम रुक जाएं और नहीं तो आप रास्ता बनाएं। तो हमको प्रशासन के लोगों ने रास्ता बनाया, बोला कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और वहां से मात्र 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर आगे जाने के बाद एक जगह पर भीड़ खड़ी हो गई, कुछ और गाड़ियां थी उनको धीरे से दाएं बाएं निकाला गया और धीरे धीरे मेरे गाड़ी को लोगों ने घेर लिया। उन लोगों ने समर्थन भी मांगा और कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। मैं गाड़ी से उतरा, उन लोगों से बातचीत किया, उन लोगों ने फोटोग्राफी किया। लेकिन कुछ ही देर में वो भीड़ जो है वो उसका दृश्य ऐसा था जैसे मॉब लिंचिंग का दृश्य होता है, और मुझसे ज्यादा हमारे अंगरक्षक के लिए संकट पैदा हो रहा था। उनका लगा कि उनका अस्त्र
छीनने की कोशिश होगी। गाड़ी में बैठ रहे थे तो उनको खींच के नीचे उतारना। फिर हम कुछ स्थानीय लोगों के सहयोग से गाड़ी पीछा करके और बड़ी मुश्किल से वहां से विवाद न बढ़ाते हुए हम थाने में आकर के, जो मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर था, तिलमच्चो से हम वापिस हुए और चास मुफस्सिल थाने में गाड़ी को लगाया। तब तक गाड़ी को वहीं भीड़ में पूरी तरह से तोड़ दिया गया था। आगे का शीशा पहले तोड़ा, जब हम पीछे लौटे मुड़े तो दौड़ा करके पीछे का शीशा तोड़ा, हमको खिड़की से खींचने की कोशिश की तो उसमें साइड का शीशा तोड़ा, फिर बोनेट वगैरह जितना था। इसमें सवाल ये उठता है कि बोकारो जिले में मेरे अनुमान से 10,000 से अधिक लोग सड़क पर थे, हजारों की संख्या में महिलाएं थी जो अपने घरेलू जीवन में जैसे रहती हैं उससे बेहतर कपड़ा और वस्त्र पहन करके अपने बच्चे को हाथ पकड़ करके रोड पर खड़ी थी और बड़ी संख्या में लोग भी उनके साथ थे और उसके बाद सैकड़ों के तादाद में उत्पाती टाइप के लड़के भी थे। इसका मतलब है कि एक कोई ऐसी शक्ति, संगठित शक्ति काम कर रही थी, वरना घर की महिलाओं को हजारों की संख्या में सड़क पर उस प्रकार कोई 10-20 मतलब नाराबाजी करने वाले नौजवानों के कहने से घर की महिलाएं नहीं निकल सकती। और जो मुझे जानकारी मिली, पिछले 15 दिनों से उसकी तैयारी थी और यदि 15 दिनों से तैयारी थी तो प्रशासन हजारों लोगों के भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पेट्रोलिंग करते हुए कहीं दिखाई नहीं दी। थाने में सारी पुलिस बैठी हुई थी। यदि प्रशासन को मैंने पूछा कि आप लोग थाने में बैठे हैं और लोग सड़कों पर नंगा नाच कर रहे हैं, उत्पात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा सर हम लोगों को अंदाज नहीं था, हम लोगों को पता नहीं था। सवाल उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में आम जनता, महिलाएं घर घर तैयारी करके निकला है, प्रशासन को पता कैसे नहीं चला? और यदि पता नहीं चला तो आखिर प्रशासन कर क्यों रही, क्या करती है? और यदि पता चला, लोग बड़ी मात्रा में निकल रहे थे, देखा, तो वो सुबह 9 बजे से 1 बजे तक पेट्रोलिंग की व्यवस्था कर सकती थी, नहीं किया, छूट छोड़ दी, चाहे जितना उत्पात करना है कर लो। मेरा ये जो सूत्रों से मुझे जानकारी मिली कि दो मुही नीति आज झारखंड में वर्तमान सरकार निभा रही है, अपना रही है, उच्चक्के टाइप के लोगों को आंदोलन करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, प्रशासन को मुखदर्शक बना रही है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करवा रही है। वरना सामान्य आदमी यदि यह जान सकता है कि बड़ी भीड़ निकलने वाली है तो प्रशासन को पता न चले, मैं इसको मान नहीं सकता और यह विश्वसनीय नहीं है। आंदोलन के पीछे संगठित शक्ति काम कर रही थी, प्रशासन उसको पता लगाए, आखिर किसने लोगों को सड़कों तक पहुंचाया, अराजकता फैलाने का मौका दिया और प्रशासन क्यों चुप बैठी थी, इसका सवाल उन्हें देना चाहिए। आज मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि झारखंड में फिर से एक बार, झारखंड बनने के बाद यह कोशिश हुई थी, जातीय उन्माद, भाषाई उन्माद और बाहरी भीतरी का उन्माद पैदा करके झारखंड को अशांत किया जाए, ताकि लोग जो इस राज्य के हित के मूल मुद्दे हैं उसे भटक जाएं। और इसीलिए पहले भी इस प्रकार की घटना यहां पर हो चुकी है। मुझे यह कहने में झिझक नहीं है आज
कि झारखंड की हालत झारखंड बनने के पहले की हालत लौट आई है। झारखंड की वर्तमान हालात झारखंड राज्य बनने के पहले इस क्षेत्र में जो हालात थी वो पुनः वापस हो गई है। फिर से इस बार अभी उग्रवादी उपद्रवी सामने आ गए, अपराधी निष्कंटक हो गए और सामाजिक तनाव पैदा करने वाले दंगाई ताकत भी सक्रिय हो गए। और सर्वत्र इस प्रकार के तत्व वर्चस्व के साथ स्वतंत्रता पूर्वक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वर्तमान सरकार कांग्रेस और जेएमएम की जो सरकार है जिम्मेदारी से लेने से भाग नहीं सकती और मैं ये मानता हूं कि ऐसी घटनाओं के पीछे वो स्वयं हैं और वो चाहते हैं कि अराजक स्थिति बने रहे, जनता का ध्यान उनके विकास या उनकी जो मूल जरूरत को पूरा करने वाली है उसको तरफ नहीं जाए। भाषा का विवाद चल रहा है और भाषा का विवाद बढ़ाने का काम सरकार स्वयं कर रही है। आप ऐसा नियमावली बना रहे हो, सुप्रीम कोर्ट रोक रही है, कह रही है गैर वैधानिक तरीके से नियमावली बना रही हो। सरकार और कोर्ट के बीच नियमावली और भाषा का विवाद ऐसा पचड़े में पड़ रहा है कि एक भी नौजवान को नौकरी नहीं मिलने वाला है। झारखंड एक प्रकार से नीति विहीन अवस्था में या असमंजसपूर्ण नीति के अवस्था में पहुंच गया है जिसमें किसी को कुछ बिल्कुल जिसको कहते हैं कि स्पष्ट रूप से अधिकार के रूप में मांगने का अवसर नहीं मिल रहा है। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि कल जो अवस्था मैंने देखी, मैं आज भी ये बात कहना चाहता हूं, झारखंड की चार शहरें बोकारो, धनबाद, रांची और टाटा, ये राजनीतिक ज्वालामुखी के मुहाने पर रहती है। राजनीतिक रूप से इन्हीं चार जिलों को अशांत करके और संवैधानिक जिम्मेदारी से सरकार भाग रही है। इन चारों शहरों में हत्याएं, कानून व्यवस्था का सवाल ये खड़ा हो गया है और ये चार शहर ऐसे हैं जो पूरे झारखंड को प्रभावित करते हैं। इसलिए हम आज ये कहना चाहते हैं कि जो कानून व्यवस्था का सवाल झारखंड में खड़ा हुआ है आज हमें इस बात को एहसास करने के लिए मजबूर कर रहा है कि झारखंड की हालात अनाथ की हो गई है, जैसे झारखंड अनाथ हो गया हो। अब हम निर्भीकता पूर्वक रात में यहां से अपने क्षेत्र गिरिडीह जाते थे, धनवार जाते थे, बोडरमा जाते थे, अब फिर से भय मन में पैदा हो गया है कि हम रात में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। संथाल परगना यहां से चल के रात में चल करके सुबह पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते बाई रोड। तो मैं आज ये कहना चाहता हूं, और कुछ लोगों ने कहा कि वहां रविंद्र राय के अंगरक्षकों ने गोली चलाई, मैं तो कहूंगा कि उसके कोई जिम्मेदार नेता भाषा संघर्ष समिति के वो आकर के बताएं और कह दें कि हां हमने ये घटना घटी है, गोली न इधर से चली है न उधर से चली है, गोली चलने की अवस्था भी नहीं आने दिया हमने। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऐसा मोब पैदा किया जा रहा है, एक तरफ ये सरकार मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बना रही है और दूसरी तरफ मॉब लिंचिंग पोजीशन खड़ा कर रही है। और सिमडेगा में प्रधान परिवार के साथ जो मॉब लिंचिंग हुआ उसके बाद कल मुझे लगा कि वो तेलमच्चों में हमारे अंगरक्षकों के साथ उसी प्रकार की मॉब लिंचिंग होगी। एक तरफ ये जैसे कहते हैं कि हम
सावधान करते हैं कि मॉब लिंचिंग से मारा जा सकता है और हम सावधान हैं मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बना रहे हैं, कानून बना के एक प्रकार संदेश दे रहे हैं कि मॉब लिंचिंग किया जा सकता है। ये बहुत ही गैर जिम्मेदार तरीके से पूरे राज्य को अराजकता के दौर से गुजारा जा रहा है। मैं झारखंड की जनता को आपके माध्यम से यह सावधान करना चाहते हैं कि लोकतंत्र की प्रक्रिया में आज जो समय गुजर रहा है उसमें आने वाला कुछ समय शायद बहुत ही भयावह होगा, जब जेएमएम और कांग्रेस के नियंत्रण वाली सरकार में अधिकारी मजबूर है और अपराधी बेकसूर है। अपराधी भी कहते हैं कि अधिकारी बगले झांक के बोलते हैं हम लोग क्या करें, हम लोगों को करने से रोका जा रहा है। भाषाई विवाद पर सरकार के मंत्री, सरकार के विधायक, जो भी विधायक पक्ष में बोले, सरकार उससे पूछे, प्रशासन पूछे कि आपने इस भाषाई संघर्ष समिति के कार्यक्रम का समर्थन किया था और यदि इस प्रकार के गैर संवैधानिक काम, गैर कानूनी काम हुआ है तो आप उसके लिए जिम्मेदारी लेते हैं कि नहीं लेते हैं। आखिर जिम्मेदारी कहीं न कहीं निश्चित होनी चाहिए और इसलिए मैं आपके माध्यम से आज ये बात कहने के लिए जरूरी समझा कि लोग बहाना खोज रहे हैं अराजकता पैदा करने का, लोग तरीका खोज रहे हैं मॉब लिंचिंग करने का, समूह खड़ा करके अराजकता पैदा करने का। झारखंड की जनता को इसमें सावधान रहने की जरूरत है और भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करके हमारे परम विधायक, पूर्व विधायक, अभी कुछ दिन पहले वहां हमारे विधायक अमर बावरी के साथ भी वहां कुछ लोगों ने माइक वाइक छीनने की कोशिश की थी। जगह जगह बीजेपी के नेताओं को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि झारखंड बनाने का काम यदि बीजेपी कर सकती है तो झारखंड को बचाने का काम भी हम करेंगे, संघर्ष चाहे जितना भी कठोर हो।